हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो भाई, वी बॉक्स को मोबाइल से कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और एक मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और उनका ये कहना है कि सर, हमारे जो फ़ोन है उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम गूगल क्रोम में ओपन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सारी चीज़ें भैया आपके सामने लाइव करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 1% भी एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम आएगी वो एज इट इज़ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले आप लोगों को यूज़र नेम डालना है, ठीक है। ये यूज़र नेम हो गया। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। मतलब यूज़र नेम के बाद, यूज़र नेम आपका रोल नंबर होगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या है वो आप लोगों को आपका पता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आई एम नोट अ रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे ही आई एम नोट रोबोट पे क्लिक करते हो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये जो मॉक टेस्ट है ये लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले एक चीज़ कर लेना भाई, जो ये ऑटो रोटेट का ऑप्शन है ना आप लोगों के फ़ोन में, जो ये ऑटो रोटेट का ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना, ठीक है। ऑटो रोटेट का ऑप्शन ऑन करने के बाद क्या करना है, अभी आपके सामने कुछ ऑटो रोटेट का ऑप्शन ऑन करती है आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ गई। अब कंटिन्यू के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो भाई, अब चार ऑप्शन आ गए। यहाँ पर प्रोसीड नाउ का ऑप्शन है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं। ये मैंने प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर दिया। अब ये चेक कर रहे हैं, तो ये देखो भाई, सारी चीज़ें टिक हो गई, ठीक है। देखो, चारों चीज़ों के नीचे, कैमरे के नीचे टिक आ गया, माइक्रोफोन के नीचे टिक आ गया, ब्राउज़र के नीचे टिक आ गया, और ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी टिक आ गया। सारी चीज़ों के टिक आने के बाद अगर नहीं आता है तो ये लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से परमिशन दे देना, जो सेकंड ऑप्शन है परमिशन का, परमिशन पे जाके क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को कैमरा वगैरह अलो कर देना है, ठीक है। मैं एक बार करके भी बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। इसके ऊपर क्लिक किया, परमिशन पे गए, परमिशन पे देखो इनको अलो कर देना सभी को, ठीक है। अलो करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो भाई, आप लोगों से रजिस्टर फोटोग्राफ, योर फोटो, योर आईडी, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए देखो, मैं रैंडमली कोई भी पिक ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर कैप्चर फोटो करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने कैप्चर फोटो किया, उसके बाद प्रोसीड नाउ, उसके बाद आपको अपना जो आईडी कार्ड है, जो भी आपका आईडी कार्ड है उसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। आईडी कार्ड क्लिक करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये मैंने क्या कर दिया, कैप्चर आईडी कार्ड कर दिया, वैसे ही प्रोसीड नाउ। प्रोसीड नाउ करने के बाद यहाँ पर देखो टाइम चलने लग गया, इस इतने मिनट या इतने सेकेंड आप लोगों को क्या करना होगा, वेट करना होगा। अब ये टाइम चल रहा है भाई, उसके बाद ही आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही ये टाइम खत्म होता है, खत्म होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। जो ये ब्लू बटन है यहाँ पर क्या कर देना है, टिक कर देना है, राइट। यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, और जैसे ही टाइम खत्म होगा ये प्रोसीड नाउ का बटन ग्रीन हो जाएगा। अब वेट करते हैं आप थोड़ा सा, 2 1 0, ठीक है। ये ग्रीन हो गया प्रोसीड नाउ का। प्रोसीड नाउ का ग्रीन होने के बाद ये नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है भाई, इन इंस्ट्रक्शंस को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर स्पेशली क्या बोला है, ड्यूरिंग द टेस्ट यूजर नोट स्विच फ्रॉम टेस्ट पेज टू अनदर पेज, यानी कि ये नहीं हो भाई आप स्प्लिट स्क्रीन कर रहे हो, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन करोगे तो आपका ये आईडी है ये लॉग आउट हो जाएगी, ऐसा कहना है। वंस लॉग इन थ्रू सिंगल ब्राउजर टैब यूजर कैन नॉट लॉग इन टू अनदर ब्राउजर, यानी कि अगर आपने एक बार इसको लॉग इन कर लिया ना, इसको आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे। दोबारा इन द सेंस कि यहाँ पर अगर मैंने इस डिवाइस में लॉगिन कर रखा है और मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही अटेम्प्ट आएगा उसके ऊपर ग्रीन, अनअटेम्प्टेड के ऊपर कुछ नहीं होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया उसके ऊपर ग्रीन आ जाएगा, और कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो ब्लैंक ही शो होगा, वाइट कलर होगा। अब आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि आप मतलब हमारे पास कैमरा नहीं आ रहा या कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखो साइड में कैमरा शो हो रहा है, ठीक है, ये देखो साइड में आप लोगों को कैमरा शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का कैमरा है और ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन आगे उसके बाद देखो आंसर ये है, अपलोड आंसर सीट यूजिंग कैमरा, ठीक है। अब कैमरा से अपलोड भी कर सकते हो आप करना चाहो तो, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी देख लेते हैं आप, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, क्या है अपलोड यूजिंग कैमरा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये कैमरे का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर आपको टैब करना है, जस्ट टैब करते ही ये देखो आपके सामने ये विंडो आ गई, ये फोटो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मैंने फोटो क्लिक कर दी। यहाँ पर आप लोगों को ओके का बटन नजर आ रहा है, ये रहा ओके का, ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर दोबारा से फोटो लेनी है तो दोबारा से फोटो ले सकते हो, ये मैंने ओके का बटन ओके किया, ठीक है, ये देखो भाई पिक अपलोड होगी। अब अगर आप लोगों को देखना है हमारी पिक अपलोड हुई है नहीं हुई, तो उसके लिए देखो व्यू अपलोड फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ये व्यू अपलोड फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। ये देखो ये इमेज मेरी अपलोड हो चुकी है, ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट। अब पिक वाला आप लोगों को समझ में आ गया, अब पीडीएफ वाला देखते हैं, एक सेकंड रुको। ये देखो डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस डिलीट करनी है तो, राइट। अब आप पीडीएफ वाला और देखते हैं क्या कुछ सीन है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर बोल रहे थे। जैसे ही आप नीचे आओगे ना, यहाँ पर देखो क्लिक टू ब्राउज एंड अपलोड आंसर शीट, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा मैं फाइल्स में चला जाऊंगा। फाइल्स के अंदर आप लोग देख सकते हो भाई, जो भी आप लोगों को करनी है डॉक्यूमेंट में जाके, मैं कुछ भी कर देता हूँ रैंडमली, ये पीडीएफ है, ये मैंने सिलेक्ट कर दी, ये होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो पीडीएफ है वो अपलोड हुई है या नहीं। व्यू अपलोड फाइल, देखो वन फाइल अपलोडेड, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो ये है या नहीं है, ठीक है। अगर डिलीट करना है तो वही है भाई, आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है जिसको डिलीट भी कर सकते हो, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया, डिलीट, यस ये डिलीट होगी, राइट। अब ये सारी चीज़ें थी, अब एक डाउट था। अब देखो यार मैं इसको सबमिट नहीं करने वाला, सबमिट करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंड टेस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यस का ऑप्शन आएगा, कर देना। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि आप इसको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर करके देखते हैं क्या होगा। मैं कुछ भी चला लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, रैंडमली कुछ भी ओपन कर लिया, मान के चलो मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या किया, यूट्यूब चलाऊंगा तो चैनल पर वार्निंग आ जाएगी भाई गूगल ही चला लिया यार फॉर एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि आप उससे लॉग आउट होंगे या नहीं होंगे, ये देखो नहीं हुए, लॉग आउट तो नहीं हुए भाई। बट क्या है, देखो जैसे ही आप ये करते हो आपका कैमरा बंद हो जाता है, स्प्लिट स्क्रीन करके देखें, स्प्लिट स्क्रीन हो रहा है, और क्या चलाएं साथ में, कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, राइट। हाँ यार स्प्लिट स्क्रीन भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। चल रही है यार सारी चीजें स्प्लिट स्क्रीन से, ये फाइल ओपन करके देखते हैं आप। हाँ चल रही है, देखो साइड में मेरे ये चल रहा है, टेस्ट दे रहा हूँ साइड में, और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन है, तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, हो सकती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब और क्या देखना था आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, राइट। स्क्रीनशॉट का देखते हैं, ये हो गया स्क्रीनशॉट, तीन फिंगर स्क्रॉल करनी है, लिया जा रहा है भाई स्क्रीनशॉट भी, कोई प्राइवेसी नहीं है स्क्रीनशॉट की, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, लिया जा रहा है, हाँ। बट एक चीज है, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे आपका कैमरा बंद हो जाएगा। अब स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, ठीक है, मैंने जो भी पासवर्ड वगैरह लगा रखा है वो हटा देना, स्प्लिट स्क्रीन करके देखते हैं, हाँ हो रही है भाई, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। सॉफ्टवेयर भाई बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, अगर किसी को नहीं कर रहा, आपके सामने लाइव चल रहा है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की इसके अंदर, सारी चीजें आपको बता दी। अपलोड कैसे करनी है, पीडीएफ अपलोड करने के लिए देखो बिल्कुल लास्ट में जाओगे, क्लिक टू ब्राउज एंड अपलोड आंसर शीट, ये जो ऑप्शन है ये जनरली आप लोगों की पीडीएफ के लिए ही है, ठीक है। ये मैंने फाइल अपलोड की थी वो आ गई यहाँ पर, देखो नाम भी आ जाएगा यहाँ पर, देखना है व्यू अपलोड फाइल। सिंगल फोटो करके आप लोगों को अपलोड करनी है सीट वगैरह, तो उसके लिए ये ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, ठीक है। अपलोड आंसर शीट यूजिंग कैमरा, काइंडली यूज अपलोड ऑप्शन अवेलेबल, डू नॉट राइट एनीथिंग टेक्स्ट बुक, इट विल नॉट कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। यहाँ पर ये बोला गया भाई, कहीं ये करने लग जाओ कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप करके एग्जाम दूंगा, तो ये मत करना। स्पेशली बोला गया यहाँ पर कि अगर आप टाइप करके एग्जाम दोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप लोगों को अपलोड ऑप्शन ही करना है। ये अपलोड आंसर शीट कैमरा का दे रखा है, इसके अंदर भैया आप लोग क्या कर सकते हो, कैमरे से अपने जो सीट है उसको क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, फाइल मैनेजर का चेक करें, नहीं आ रहा है भाई, आप अपने कैमरे से ही फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपने कैमरे से, कैमरे की वही सेटिंग है भाई नॉर्मली, यहाँ से फ्लैश ऑन करनी है कर सकते हो, ये हो गई राइट, इसको अपलोड करना है, ये मैंने ओके किया, अपलोड हो गई। हाँ, जब आप स्क्रीन को स्प्लिट करोगे या इसको जैसे ऐसे करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, आप लोगों को जो आप लोगों का जो कैमरा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये चैट का ऑप्शन भी दे रखा है, इसको भी चेक करते हैं चैट के अंदर क्या कुछ है। मैं फोन को रोटेट करता हूँ यार, सेंड का ऑप्शन ही नहीं है चैट के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप पे साइट करके देखते हैं एक बारी क्या रहेगा क्या नहीं। रीलोड करना पड़ेगा भाई, मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला, ठीक है। अब आई थिंक यार आप लोगों के जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। फिर भी कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, हाँ जो काम के मैसेज होंगे भाई उनका ही रिप्लाई दिया जाएगा। ये आप लोगों की फोटो यार बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है, अब मैं इसको एडजस्ट करके भी बताऊँ क्या आप लोगों को, देखो एडजस्ट करके भी बता देते हैं एडजस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को फोन किस तरह से रखना है, ये कुछ इस तरह से रख दिया राइट, हो गया फोन, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंड है मेरे पास तो, हाँ थोड़ा सा दूर बैठना है, ये मेरी आंसर सीट है, कुछ नीचे कुछ रख लेना या अपना जो भी टेबल वगैरह है उसको उसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बैठना है आप लोगों को, मेरी जो सीट है वो भी विजिबल है, जैसे एडजस्टमेंट ही कुछ इस तरह से करनी है कि सारी चीजें आप लोगों की विजिबल हो राइट। ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे कुछ रख दूंगा तो ये हो जाएगा ठीक, ठीक है। ये देखो ऐसे, और ऐसे पेपर कर रहे हो जैसे मैं पेपर कर रहा हूँ, तो पेपर करते करते आप लोगों को ऐसे देख लेना है, ठीक है। पेपर करते करते आप लोगों को ऐसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बोला गया है कि आप लोगों को एक दो बारी स्क्रीन के ऊपर जरूर देखना है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर एक बारी जरूर देख लेना। तो ये पूरा प्रोसेस था, और जैसे ही आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये एंड टेस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं क्लिक करता हूँ एंड टेस्ट के ऊपर, यस सबमिट इट, ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद ये देखो भाई टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट साथ के साथ आप लोग क्या कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी अगेन।